ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वंडरफुल सेशन ओके बहुत मजा आने वाला आज के सेशन में हम सबको ओके सो जस्ट अमेजिंग ग्रेट 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 ओके सो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग दिस इज मॉर्निंग अग्रवाल सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है अगर आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो डाउन में आपके लाइक like का एक बटन आ रहा है तो प्लीज उस लाइक को प्रेस कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर, so, सब so, कर, तो कर रहा हूँ पर्सनैलिटी है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में बहुत कुछ गाइड किया बहुत कुछ बताया देखो क्योंकि मैं भी कहते हैं ना हर पर्सन का जीरो से स्टार्ट होता है तो मैंने भी कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किया मुझे भी सीखना पड़ा समझना पड़ा तो अगर आप ये लाइव सेशन के अंदर आ चुके जस्ट एक छोटा सा काम करो टेक स्क्रीन शॉट ऑफ सेशन एंड जिसने भी आपको इन्वाइट किया है आप जिस भी ग्रुप का पार्ट हो जिसने भी है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक like बटन प्रेस कर देना ताकि हमें पता लग जाए एंड अगर आपको ओके वीडियो ऑडियो वीडियो सब ओके है तो टेक ए स्क्रीन शॉट फास्ट एंड जिसने भी इन्वाइट किया उसको पर्सनली मैसेज सेंड कर दो एंड जिस भी ग्रुप का पार्ट हो आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे जो भी ग्रुप का पार्ट हो फास्ट उस ग्रुप के अंदर वो मैसेज वो स्क्रीन शेयर कर दो ताकि सबको पता लग जाए कि लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है स्टार्ट so करते हैं, डू दिस थिंग 30 सेकंड्स में स्टार्ट करते हैं टेक स्क्रीन शॉट एंड डू इट फास्ट जिन्होंने कर दिया वो लाइक प्रेस करें ओके okay, so so, सो कर दिया होगा सो सो थैंक यू मच फॉर योर कॉपरेशन फॉर योर पेशेंस ओके सो वेलकम है आप सबके नाइन पी एम वाले सेशन के अंदर सो बिफोर द वेबिनार स्टार्ट में आपको एक चीज बताता हूँ ये जो बिजनेस है ये बेसिकली सीखने का बिजनेस है तो लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो क्या आप लर्निंग करने आए हो लक्ष्मी शर्मा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था ओके okay. सो so, बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी एंड गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हीसनैलिटी जिन्होंने मतलब अपनी मंथली इनकम को फाइव लैख तक भी टच किया हुआ है एंड बहुत यंग एज में सक्सेसफुल है सो क्या आप मिलना चाहोगे गर्ल्स के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है गर्ल्स के लिए सो लेट्स मीट द लेडी डायमंड्वेंटी थ्री टीम

सो मेनी कंट्रीज से यहाँ पे हमारे साथ पीपल कनेक्टेड है मोस्टली पाकिस्तान एंड इंडिया से हैं एंड दे आर सो मच एक्साइटेड टू हियर यू जब उन्हें पता लगा कि आज मानिक सर के सीनियर आने वाले हैं अपलाइन आने वाले हैं तो बहुत एक्साइटेड हो गए सो एंड गर्ल्स भी बहुत ज्यादा है मैम हमारे साथ तो मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम ओके सो मैं आपको होस्ट बना रहा हूं ओके okay. आप कर सकते हैं कंटिन्यू थैंक यू सो मच मैम गुड इवनिंग टू ऑल कैसे हैं सभी हां जी गुड इवनिंग टू ऑल कैसे हैं सभी होप और सभी बढ़िया होंगे सभी अच्छे होंगे देखिए आज का जो सेशन है हमारा बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और ये अमेजिंग क्यों होगा वो तो शायद आप लोगों को ही पता होगा बिकॉज आप अपना प्रीशियस टाइम यहाँ पर निकाल कर ले आए हैं और ये वंडरफुल और अमेजिंग क्यों होने वाला है उसका एक रीजन मैं आपको बताती हूँ बिकॉज आज हम फॉरवर्ड लिविंग के प्लेटफॉर्म को देखने वाले हैं आज हम देखने वाले इसकी क्या पावर है

जिसके अंदर आप डे वन के अंदर बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि आपकी लाइफ यहाँ से चेंज होने वाली है क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊं यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डे वन होगा बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे पहली बार सुन रहे हो बहुत सारे लोगों ने कहा फर्स्ट टाइम होगा नेटवर्क मार्केटिंग के साथ और बहुत बहुत सभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि यार यहाँ पर करियर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए तो उसकी क्लैरिटी आपको यहाँ पर आज मिलेगी और मैं एक लाइव एग्जांपल हूं आप लोगों के सामने बिकॉज मैं अपनी बात करूं एज एट एज ऑफ ट्वेंटी इयर्स मैंने इस कंसेप्ट के अंदर फर्स्ट स्टेप रखा था यानी कि मेरी बिगनिंग हुई थी शुरुआत हुई थी और उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बहुत सारा यूथ है क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट और सभी स्टडी के दौर से गुजर रहे होते हैं हो सकता है आप प्लस टू कर रहे हैं राइट नाउ हो सकता है आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं हो सकता है आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं बट क्वेश्चन इज क्वेश्चन मार्क क्या है कि लाइफ में इसके बाद क्या करना है व्हाट द नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप का हमें नहीं पता बेसिकली मैं आपको बताऊँ ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर लिविंग बिकॉज जब मैं इस कंसेप्ट के अंदर आई थी माई ग्रेट अपलाइन इज मिस्टर प्रदीप सर जो एज ऑलरेडी सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं उन्होंने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया था उन्होंने उनके थ्रू मेरी ये जर्नी है जो वो स्टार्ट हुई बट मैं आपको सीरियसली यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी आपको जिसने भी ये कंसेप्ट जो है ना दिया है शेयर किया है आप इंस्टाग्राम के थ्रू मिले हैं आप अपने ट्यूशन में

लेकिन वही चीज़ है ना इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे मिडिल क्लास या पुअर फैमिली के लिए क्या है अपना एक बिजनेस करना खुद का कोई स्टार्टअप करना बट उसके लिए चाहिए पैसा और वो हमारे पास होता नहीं है बिकॉज इट्स अमाउंट अगर बाहर अगर हमें बिजनेस करना है हमें लाखों रुपए चाहिए हमें करोड़ों रुपए चाहिए वो हमारी फैमिली में नहीं था स्पेशली मैं अगर, अपनी बात कर रही हूँ अभी मेरी फैमिली में मेरे मदर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे कोई स्टार्टअप करवा पाए या फिर मुझे स्टडी के लिए किसी अदर कंट्री के अंदर भेज सके जहाँ से मैं फॉरेन कंट्री से अच्छी डिग्रीज लेकर आऊं ऐसा कुछ भी नहीं था किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाते ऐसा भी कुछ नहीं था तो करें क्या लाइफ में क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊं जो हम मिडिल क्लास होते हैं ना इनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते यहां पर करने के लिए नहीं होता होता ना हाई क्लास में बच्चों के पास चॉइस मिलती है कि बेटा या तो आप मेरा बिजनेस संभाल सकते हो या अपने चाचा जी का संभाल सकते हो या अपनी मदर का संभाल सकते हो या आप किसी अदर रिलेटिव के साथ अपने बिजनेस को कर सकते हो अगर ये भी नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं आपको नया खोल कर देंगे बट मिडिल क्लास फैमिली में ये ऑप्शन कहाँ होते हैं मिडिल क्लास फैमिली में ऑप्शन क्या होते हैं प्राइवेट जॉब कर लो प्राइवेट नहीं मिल रही है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो वो भी नहीं मिल रही है तो साइड में कहीं पर रेडी लगा लो सब्जी की या किसी और चीज़ की लाइक like, सीरियसली यही ऑपरचुनिटीज बाहर मिडिल क्लास फैमिलीज में दी जाती है इसके अलावा तो शायद कुछ भी नहीं होता या अपना छोटा मोटा कोई स्टार्टअप कर ले घर के अंदर कोई ग्रोसरी की शॉप खोल ले किरायाने की दुकान खोल ले तो सेम मेरा भी था ऐसे ही माइंड क्लियर था और माइंडसेट क्लियर क्या था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है और मैं आपको सीरियसली बताती हूँ जब हम लोग अपने ड्रीम्स को शेयर करते हैं ना किसके साथ शेयर करते हैं हम लोग अपनी फैमिली में हम अपनी फैमिली के साथ ही फैमिली में या तो हमारी बॉन्डिंग होगी अपने ब्रदर्स के साथ या फिर सिस्टर्स के साथ या मदर के साथ या फादर के साथ इनमें से किसी के साथ भी बॉन्डिंग हो सकती है और आपने अगर एक पर्सनैलिटी के सामने भी अपने ड्रीम्स को रिविल किया लगा लो वो पूरी फैमिली पूरे रिलेटिव के अंदर वो ऐसे हो जाएगा लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज तो मैंने जब जब मैं स्टडी कर रही थी इवन मैं बात करूं मैं स्टडी कर रही थी तो मेरा माइंड पता पता क्या था कि मुझे महीने का ना पांच लाख रुपए कमाने सीरियसली ऐसा नहीं है कि मेर, मुझे अब आ रहे हैं तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ बट दैट्स रियालिटी जब मैंने अपने सिस्टर के साथ इस चीज को शेयर किया था कि दी मुझे ना एक ऐसी नौकरी चाहिए जहां पर मैं महीने का पांच लाख कमा पाऊ और मेरे सिस्टर ने ना मजाक बनाते हुए मुझे एक ही चीज बोला था कहते तुझे पता है हमारा पीएम भी नहीं ले रहा इतना प्रधानमंत्री भी नहीं ले रहा तू कहाँ से ले लेगी सोचकर देख आसपास कितने सारे लोग हैं वो नहीं ले रहे तू कहां से ले लेगी यानी कि जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं सक्सेस की जब हम बात करते हैं कुछ बड़ा अचीव करने की तो होता पता है क्या है हमारी फैमिली ना हमारी लेग पुल करने लग जाती है हमें हमें हमारे घर वाले ही टांग पकड़ कर नीचे बिठा लेते हैं तो सेम चीज मेरे साथ हुई थी और जब मैंने अपने सिस्टर से अगेन जब दोबारा शेयर करा सम टाइम्स के थोड़ा टाइम जाने के बाद दोबारा शेयर किया कि दी मुझे सीरियसली एक ऐसा कंसेप्ट मिला है जो मुझे फॉर एवर लिविंग मिल चुका था मैंने तब शेयर किया बिकॉज मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी मैंने तब शेयर किया तो उन्होंने एक ही चीज बोला ये फ्रॉड होगा आपको सीरियसली आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया उस चीज के अंदर उस फील्ड के बारे में आपको नहीं पता आपको ये नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या और आपने माइंड के अंदर एक जजमेंटल बनाया और उसको मेरे सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये फ्रॉड होगा किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता ना ही फॉर एवर लिविंग ऐसा कंसेप्ट बन जाएगा किसी के बोलने से कि ये बहुत हाई लेवल का है ना किसी के बोलने से ऐसा बन जाएगा कि ये तो फ्रॉड है ऐसा कुछ भी नहीं होगा ये डिपेंड करता है हमारी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बिकॉज लिविंग ऑलरेडी हाई लेवल की अपॉर्चुनिटी है राइट right? ये मैं इसीलिए बोल रही हूं बिकॉज मैं ग्राउंड लेवल से यहां तक पहुंची मेरे लिए हाई लेवल की हुई लेकिन अगर कोई इतने हाई लेवल की अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी में आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा तो वो इस अपॉर्चुनिटी को क्या करेगा बाहर जाके बदला करने वाला है तो जब कंसेप्ट मिलता है ना तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहां पे क्लियर करना मुश्किल हो जाता है मैं आपको सीरियसली बता रही यहां पर क्लियर करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज जब मैंने अपने सीनियर्स के पे आउट देखे थे और पेआउउट ऐसे नहीं देखे थे तीस चालीस हजार रूपये का पेआउट देखा था एक लाख बत्तीस हजार रूपए का पे आउट देखना मायने रखता है कि आप देख रहे हो एक सीनियर एक है सामने जिनकी एज ज्यादा नहीं है ही इज ट्वेंटी फोर आप तेईस चौबीस साल का एक लड़का देख रहे हो अपनी आंखों के सामने और जो अपने फोन में दिखा रहे है कि मैं तो यहाँ से एक लाख बत्तीस हजार रुपए अर्न कर रहा हूँ लेक मैं सीरियसली पूरा शॉक मैंने अनमोल सर का पे आउट देखा था ऐसे मैं मैं टोटली शॉकड थी और ऊपर से प्रदीप सर ने मुझे बताया उनके बारे में कि लाइक वो उनकी सोसाइटी के हैं और एक साथ रहे हैं एक साथ पढ़े हैं और मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि लाइक ही ही वॉज माई मेट कि वो मेरे ही स्कूल में मेरे सीनियर हुआ करते थे वहां पर अनमोल सर शैलेष सर तो मुझे बहुत ज्यादा शॉकड हुई मैं बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना धीरे का झटका जोर से लगना लाइक like वो मेरे लिए ऐसा था कि सीरियसली यार हिंदी मीडियम से पढ़े हुए भी आगे निकल सकते हैं बिकॉज अभी तक क्या था ना कि लाइक हमारे स्कूल के अंदर हमारा स्कूल बदनाम स्कूल के अंदर हम हम हमारी क्लास बदनाम कुछ ऐसे ही होता है हम जिस क्लास में होते लाइक आप अपने से रिलेट कर सकते हो हम जिस क्लास में होंगे ना वो क्लास लाइक टीचर्स को बिल्कुल नहीं बिल्कुल पसंद पसंद नहीं नहीं होगी होगी सीरियसली तो मुझे ऐसे ही था कि ये ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती वाई नॉट मी मैंने अपने आप से क्वेश्चन करा मैंने सामने वाले से नहीं पूछा कि सर आप कर सकते हो तो आप मुझे जबरदस्ती करवाओ बिकॉज जबरदस्ती वाला फॉरवर्ड लिविंग के अंदर कोई भी काम नहीं है मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ जितने भी हमारे न्यू कैंडिडेट है आप एक बार रिलेट करो यहाँ पर हर किसी का फर्स्ट डे होता है हर किसी का डे होता है बट वो चूज आपने आपने करना है कि डे के अंदर ही क्विट कर जाना है या आपने आगे ले जाकर अपनी 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 गाड़ी को आकर आगे लेकर जाना और अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा अमेजिंग बनाना है वो आपने डिसाइड करना है बिकॉज फॉर एवर लिविंग का कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत हाई लेवल का कंसेप्ट है बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तो अगेन मैं अगेन uh, हम चलते हैं थोड़ा पीछे मैं ग्रेजुएशन करी थी मुझे कंसेप्ट मिला मैंने अपने सिस्टर को बताया सिस्टर ने मदर को बताया मेरे मदर बिल्कुल ही ऐसे थे कि लाइक like, तुझे जाना ही नहीं है सीरियसली बहुत सारे लोगों के साथ हुआ आएगा कि स्पेशली गर्ल्स के साथ हो सकता है बॉयज के साथ भी हुआ बिकॉज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा हरियाणा से बिलोंग करता है मैं uh, हरियाणा से हूँ बैकग्राउंड uh, की बात करूं तो हमारे हरियाणा में कुछ ऐसी होता है ड्रीम्स की अगर बात करते हैं ना तो लाइक like, नहीं क्या सपने होते है? कुछ नहीं होता है उम्र हो चुकी है शादी की शादी करो और अपने ससुराल जाओ हाथ पीले करो ग्रेजुएशन होगी दैट्स ऑल लड़कियां इतना ही पड़ती है और एक डायलॉग ये आता है कि तू लकी है कि अभी तक घर में बैठी है वरना तेरी उम्र में तो हमारी शादी होगी थी लाइक हमारे पेरेंट्स इस तरीके से बोलने लग जाते हैं हमें कुछ नेगेटिव ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं ये रियलिटी है ये हर घर की कहानी है हर घर में ऐसा ही होता है एग्जैक्टली exactly. तो जब मैंने अपने मदर को कंसेप्ट शेयर किया कि लाइक मुझे तो करना है बस मुझे नहीं पता मुझे करना है तो बस करना है तो शुरू से ना बचपन से ही थोड़ा जिद्दीपन मुझ में रहा है और होप सो हो कि सभी में होना चाहिए पॉजिटिव लेवल का तो अच्छी बात है तो जब मैंने अपने मदर को बोला मेरे मदर कहते चल ठीक है तूने जो करना है तू वो कर ले है ना हमारे साथ भी हुआ बट मेरे मदर ने लाइटली नहीं बोला था जो करना है वो कर ले बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोला था और एक चीज बोली थी कि आज से तेरा मेरा लिंक खत्म घर में रह खा पी बट मुझसे बात मत

तो मैंने एक बार अपने मदर के फेस पर न, फेस पर फे, फेस पर ना फर्स्ट टाइम फ्रेंड ने मुझे बोला लाइक वो काम मत कर लेकिन हम स्टिल करते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलते मजाक बनाते मैंने बोला था मत जा देखा मैं आई वॉज राइट दैट टाइम की मैं सही था उस वक्त के लिए तो मुझे ना कुछ वैसा हुआ अपने मदर के फेस पर और मुझे एक ही चीज हुई कि नहीं यार अब तो करना है जब घर वाले ही नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं तो अब करना है तो मतलब करना है मैंने करना स्टार्ट करा और तीन महीने निकले प्रदीप सर का सुपरवाइजर हुआ आजहर सर का सुपरवाइजर हुआ उनको स्टेज पर चढ़ते हुए देखा प्रदीप सर का असिस्टेंट मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई हुआ था तो उस टाइम पर सक्सेस डे होता है जैसे कल फोर्टीन फैब है तो कल वर्चुअल सक्सेस डे है जो हमारे यूट्यूब पर सॉरी फेसबुक पर लाइव लगेगा तो बट कोरोना वायरस से पहले सारी चीजें ऑफलाइन थी तो मैंने उन्हें जलंधर स्टेज के ऊपर चढ़ते हुए देखा जब वो जलंधर स्टेज पर चढ़ रहे थे सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर की पिन के लिए वहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्लैप कर रहे थे वहां पर वन ऑफ द मी मैं उनमें से एक थी हम लोग हुटिंग्स कर रहे थे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स थी उसके अंदर और इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी ना लाइक गूसबम्स आने लगे कहते हैं जैसे रोंगटे खड़े हो जाना वो लाइक वो मेरे साथ होने लगा मेरे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम वैसा हुआ था कि लाइक मैं किसी को देख रही हूँ और मेरी आंखों में आंसू है वो क्यों है क्योंकि क्योंकि यार वो मेरे साथ चले थे मैंने उनको देखा है है हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आई शॉक्ड कि वाकई लिविंग में सक्सेस मैं जैसे ही वापिस आई मैंने अपने मदर को एक्सपीरियंस शेयर किया कि लाइक देखो मैंने आपको बताया था कि प्रदीप मैं हमें एक प्रोफेशनलिज्म आ गया था मुझ, मुझ, में जो है मैं नाम के आगे मैंने सर लगाना शुरू कर दिया तो मैंने अपने मदर को बोला मैंने कहा मम्मी मैंने प्रदीप सर को चढ़ते हुए देखा है स्टेज पर और नेक्स्ट मैं होने वाली हूँ कहते कौन प्रदीप सर तो मैंने बोला मैंने कहा ऐसे ऐसे कहते अच्छा अब सर बोलने लगे अब ऐसे ऐसे होगा कोई करने की जरूरत नहीं इस बिजनेस को फैमिली को में भी सर ये भी सर वो भी सर तो मतलब इस तरीके की थोड़ी नेगेटिव वाइब्स अगेन तो मैंने सोचा यार यहाँ पर तो बात करने का कोई भी फायदा बिल्कुल भी नहीं है मैंने अगेन अपने सिस्टर को कन्विंस करना शुरू करा अगेन सिस्टर को कन्विंस करना शुरू करा और लाइक मेरे सिस्टर ऐसे थे वो सुनते ही नहीं थे वो बिल्कुल नहीं सुनते थे उन्होंने अपने कान में कॉटन डाल रखी थी उंगलियां डाल रखी थी लेकिन वो नहीं सुनने वाले थे क्योंकि वो मैरिड ऑलरेडी बड़े हैं एज गैप बहुत ज्यादा है जो डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उनका ये था कि मैं सही हूँ और तू गलत है हमेशा क्योंकि होता है ना हमारे घर में बड़ा जिसकी उम्र हमसे ज्यादा है तो वो कहता भाई हमें तो जिंदगी का तजुर्बा तु भी तुमसे ज्यादा है चाहे हमारी फील्ड के बारे में एबीसीडी भी ना पता हो बट दुनियादारी का ज्ञान पूरा लेकर घूमते हैं साथ में तो लाइक मेरे सिस्टर ने भी कुछ ऐसा ही करा कहते कोई जरूरत नहीं है कंसेप्ट में जाने की बहुत देखी है ऐसी कंपनीज क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊं फॉर एवर लिविंग इज अ ब्रांड और हर ब्रांड एक कंपनी भी होती है इनडायरेक्टली अगर मैं आईफोन की बात करूं आईफोन इज अ आल्सो ब्रांड बट इज अ आल्सो कंपनी एप्पल एक कंपनी भी है ऐसे ही अगर हम जेगुआर की बात करें जेगुआर इज अ ब्रांड ऑफ इन कार्स कार्स के अंदर ब्रांड है वो बट अगर मैं बात करूं एक कंपनी भी है तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में लग जाता है तो नेगेटिविटी ऑलरेडी आने लग जाती है नेगेटिव वाइब्स ऑलरेडी हमारे आस के लोग हमें देने लग जाते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार घर में शेयर करके तो कोई फायदा नहीं है फिर हमें बोला गया ड्रीम ड्रीम चार्ट बनाओ हम सभी को बोला जाएगा मैं आपको सीरियसली फॉर एवर की प्लेटफॉर्म की पावर बता रही हूँ आपको कि क्या है हम आगे इस जर्नी को और स्टार्ट करेंगे मैं मैंने जो अपने ड्रीम्स को लिखना स्टार्ट करा लाइक मैंने एक एक शीट ली एक शीट बाय करी उस टाइम पैसे ज्यादा नहीं होते थे क्योंकि मदर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते थे तो पांच रुपए की शीट लेकर आई मैं तीन रुपए की आई पांच रुपए की शीट मिली मैंने उसके ऊपर पेन से बड़ा बड़ा लिख दिया कि मुझे नेक्स्ट अपकमिंग सेवन और सिक्स मंथ्स के अंदर मेरी जो इनकम है वो सिक्स डिजिट uh, होने वाली यानी कि एक लाख रुपए पर मंथ मैंने लिखकर और लगा दिया और जब मैंने वो लगाया तो लाइक like मेरे जीजू घर में एंटर हुए तो उन्होंने मुझे एक उन्हों, मैं थी नहीं घर पे मैं प्रेजेंट नहीं थी मैं ऑफिस में थी आरडीओ में वो घर आए कहते बड़ा दिमाग खराब हो रखा है लड़की का मैं मैं सही करता हूँ ये करता हूँ कहते ना बड़े अपने आप में कुछ ज्यादा ही बड़े बनते हैं और बनना भी चाहिए गर, आफ्टर ऑल फैमिली है बट उनका ऐसे था कि नहीं मैं समझा कर जाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है मेरे किसी फ्रेंड ने भी करी थी उसका पैसा लेकर भाग गई थी कंपनी अरे उसका पैसा लेकर भागी थी और वो कंपनी भी दूसरी थी बंदे में डिफॉल्ट है तो डिफॉल्टर कंपनी ही चूज करेगा हम लोग सही है मैंने फॉर एवर का प्लेटफॉर्म चूज करा तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा था इसके अंदर मैं चलो लेकर भी भाग जाएगी मेरा क्या लेकर जाएगी इन्वेस्टमेंट तो जीरो है मांगा किसी से कोई प्रॉपर्टी के पेपर यहाँ पर रखवाए हो कोई कुछ रखवाया हो यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा तो लाइक मेरे दिमाग में, में एक ही चीज आई और मैंने जाकर सर से शेयर करी मैंने कहा सर ऐसे ऐसे फैमिली बोल रही है कि पैसा लेकर भाग जाती कंपनी मुझे उन्होंने एक चीज बोली कहते अच्छा एक बात बता कोई ब्लैंक चेक रखवा लिया मैंने कहा नहीं रखवाया कोई प्रॉपर्टी के पेपर रखवा लिए मैंने कहा प्रॉपर्टी ही नहीं है तो पेपर कहाँ से रखवाएंगे कहते फिर क्या रखवा लिया तेरा कोई स्कूल सर्टिफिकेट लिखवा दिया रखवा लिया कि तू इन फ्यूचर यहाँ पे तेरा कुछ नहीं बना तो तू जॉब भी नहीं कर सकती तो सर्टिफिकेट भी यहीं जमा करवा दूँ वो भी लाइफ टाइम के लिए मैंने कहा नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कहते अगर मान ले फॉर भाग भी गई तेरा क्या लेकर जाएगी मैंने बात तो सही है मेरा तो कुछ भी नहीं लेकर जाएगी तो लाइक जब मैंने जैसे ही एंटर हुई अपने रूम के अंदर घर के अंदर जैसे ही एंटर हुई तो मैंने देखा वो फोटो खींच रहे और हंसने लगे बहुत जोर जोर से कहते मुझे ना बारह साल हो गए नौकरी करते हुए बारह पता नहीं पंद्रह साल हो गए नौकरी करते हुए मैं फिफ्टी थाउजेंड नहीं क्रॉस कर पाया छह महीने में एक लाख लेगी उन्होंने कहा उस टाइम पर तो तो मैं, मैं, मैं क्योंकि मेरे मदर भी उन्हीं की साइड ले रहे थे कह रहे थे हाँ मैं इसको यही चीज समझा रही है समझ नहीं रही है कि ये सब काल्पनिक बातें होती है सब सपनों में अच्छा लगता है ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में तो मैंने एक चीज मैंने अपने मदर को बोला मैं इनका एक चीज बताओ आप इतने टाइम से जॉब कर रहे हो पापा इतने टाइम से काम कर रहे थे जीजू भी इतने टाइम से काम कर रहे हैं है, है ना और, और किसी भी फैमिली के अंदर हम ले सकते हैं किसी को भी एक्स वाई जेड चाचा जी इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो जितने टाइम से काम कर रहे हैं मतलब किसी की एक लाख रुपए अगर इनकम नहीं हुई तो इसका मतलब क्या मेरी भी नहीं होगी क्या आप लोगों की डेस्टिनेशन जो आपकी डेस्टिनी है क्या वो मुझसे जुड़ी हुई है ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे अपने हाथ में या मुझे अपना करियर कैसा बनाना है तो मेरे मदर ने ना मुझे की बहुत बड़ी बड़ी बातें वो करने लगी है दिमाग तेरा दिमाग कहते हैं ना वॉश आउट कर दिया है दिमाग वॉश आउट कर दिया है तेरा बहुत मतलब के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातें करने लगे हो जुबान लड़ाने लगे हो तो मैंने कहा चलो ठीक है यार क्विट करते हैं अभी थोड़ा टाइम जैसे ही निकला और ये टाइम निकलते निकलते ऑलमोस्ट 2019 आ गया था जैसे ही 2019 आया तो मेरा जैन के अंदर जो है वो सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ और मैं बहुत ज्यादा खुश थी बिकॉज फर्स्ट अचीवमेंट थी मेरी फॉरवर्ड लिविंग के अंदर तो इन नेगेटिविटीज के अंदर अप एंड डाउन तो ऑब्वियस है बिजनेस है आएंगे ही आएंगे बिकॉज लाइफ में आते तो फिर भी बिजनेस है तो मेरा जैसे ही जैन 2019 में जो है सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी सक्सेस डे में गए पिंस रिसीव करी घर पर आए मम्मी को दिखाई और मम्मी नॉर्मल मम्मी कहते कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मेरे माइंड में पता क्या आता है पहले माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी की सक्सेस पे खुश नहीं है मेरे माइंड में ऐसा आया था बट मेरे मदर को एक्चुअल में सुपरवाइजर लेवल की वैल्यू ही नहीं पता था एक्चुअल में क्या होती है कि हमारा एक ग्रुप सिस्टम बन जाता है हमारे नीचे टीम आ जाती है हम लोग मैनेजर uh, की तरफ फर्स्ट स्टेप जो है वो अचीव कर लेते हैं थोड़े टाइम बाद असिस्टेंट मैनेजर अचीव हुआ इनकम आना स्टार्ट हो गई थी और मेरे मदर को मेरे मदर हमेशा नेगेटिव रहते थे कि फॉर से पैसा पूजा कुछ नहीं आएगा तो इनकम आना स्टार्ट हो गई सुपरवाइजर लेवल का जो मेरा पे आउट था वो अप्रॉक्सिमेटली थर्टी फाइव थाउजेंड का था और मैंने अपने मदर को दिखाया तो मेरे मदर का नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन था उस टाइम पर भी चल ठीक है एक ही बार तो आए हैं दोबारा पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे और इतना टाइम भी तो हो गया कहीं पर अगर आठ हजार की नौकरी करती तो इससे ज्यादा हो जाते तो मेरे मदर का थोड़ा ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन था मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जैसे ही मेरा मैनेजर लेवल कंप्लीट थ्री थाउजेंड मैंने अर्न किया उस टाइम पर मेरा एम लेवल का जो पे आउट है वो अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी थ्री थाउजेंड था और जब मैंने अपने मदर को वो दिखाया मदर कहते चलो कोई बात नहीं इतना ज्यादा कोई खास इंक्रीमेंट नहीं लगा इतना टाइम भी तो हो गया दोबारा से वही बात बोल दी नवंबर uh, 2018 थाउजेंड एटीन के 19 सॉरी uh, हाँ 18 के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव करा और जैसे ही मैंने मैनेजर लेवल अचीव करा उसके बाद जो मेरी फर्स्ट इनकम थी मैनेजर की वो सिक्स डिजिट की सिक्स डिजिट थी यानी कि एक लाख तीन हजार रुपए और जब मैंने अपने मदर को पूरा कैश विड्रॉल करवाया क्योंकि हम सभी को पता है मैं आपको सीरियसली बताऊं मैं मैं ऐसी लड़की थी और फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा था मैं फॉर एवर लिविंग के अंदर आई थी मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी और मेरा बैंक अकाउंट नहीं था मुझे चेक बुक फिल करनी नहीं आती थी मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना नहीं आता था मुझे कुछ नहीं आता था बैंक का कुछ भी नहीं आता था बट राइट नाउ उस टाइम पर अगर मैं बात करू मुझे एटीएम चलाना नहीं आता था फॉर लिविंग में आकर मैंने ये सारी चीजें सीखी है और मुझे बताते हुए बिल्कुल भी शेम फील नहीं होता है बहुत सारे बच्चों की ऐसी ही लाइफ होती है बाहर कि पेरेंट्स अगर एटीएम कार्ड देते भी हैं अगर दो सौ रुपए निकलवाने के लिए देंगे तो दो सौ ही आना चाहिए मैसेज आएगा अनएजुकेटेड होते नहीं पढ़ पाते तो जाकर नियर डियर दिखाते हैं भाई कितने विदड्रॉल करवा लिए मेरी फैमिली में होता था एक्जैक्टली exactly, मैं आपको बताऊँ सीरियसली ऐसा तो जब मैंने पूरा विड्रॉ करवा कर अपने मदर को दिखाया कि मेरे अकाउंट में नाइन्टी एट थाउजेंड आए थे उस टाइम पर टीडीएस कट होने के बाद तो मैंने अपने मदर को दिखाया मेरे मदर का सीरियसली उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा नॉर्मल था मदर कहते कोई बात नहीं अभी अभी नई नई मैनेजर बनी है ना अभी तो कंपनी देगी अभी तो देगी कंपनी कोई दिक्कत नहीं है अभी तो देती है स्टार्टिंग में तो बांटती है भागती तो बाद में है मैंने कहा अभी भी सच में ऐसा आपका माइंड है कोई नॉर्मल नॉर्मल हो गए वो कहते चलो ठीक है अपना पैसा अपने पास ही रख थोड़ा ईगो ईगो बीच में आ जाती है और देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो पे आउट आया वो अप्रोक्सीमेटली एक लाख आठ हजार रुपए था और इनकम बढ़ते बढ़ते अभी तो मेरे मदर को ना थोड़ा विश्वास होने लगा था थोड़ा विश्वास होने लगा था और दैट टाइम पे मेरे मदर ने मुझे बिल्कुल भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करी थी बिजनेस के अंदर बट मेरे सिस्टर और मेरे मदर को उन्होंने इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया वन शॉर्ट के अंदर उनके लेवल्स डन करवाया और मैं बहुत ज्यादा मैं आज भी इस चीज की कंप्लेन करती हूँ और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि लाइक मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरा वन शॉट में ये लेवल नहीं डन करवाया था उनका करवा दिया था बट चलो कोई बात नहीं कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ अपने लेवल्स को डन किया मैंने मैंने नहीं बन हर कोई यहाँ पर हार्ड वर्क करता है अगर मैं ये बोलूं मेरी अकेली का एफर्ट्स था अकेले का हार्ड वर्क था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी पूरी टीम एफर्ट्स करती थी मेरे पूरे सीनियर्स एफर्ट्स करते थे उसके अंदर मेरा भी एफर्ट्स थे तो रिवॉर्ड जो है वो सभी को मिलते हैं बिकॉज ये बिजनेस ही ऐसा है ये यूनिटी का बिजनेस है तो जब करना स्टार्ट करा करते करते इनकम को चार लाख पांच लाख भी टच करा एज अ सीनियर मैनेजर भी इस बिजनेस के अंदर अचीव करा कार इंसेंटिव भी अर्न करा तो मेरे मदर को ना बहुत ज्यादा मेरे मदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके थे अब तक तो खैर अब नेगेटिव रहने को कोई वो रहता ही नहीं है रीजन की हाँ अभी भी, भी नेगेटिव रहेंगे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके थे अब उनके सामने कोई भी स्टूडेंट क्योंकि वो स्कूल में जॉब करते हैं अगर उनके सामने कोई भी बच्चा या कोई भी उनको बोलता है ना जॉब के लिए तो मेरे मदर एक ही चीज बोलते हैं कि जॉब नहीं करनी चाहिए अपना खुद का काम करना चाहिए मालिक बनना चाहिए चाहे छोटे से शुरू करो ऊपर वाला आपकी एफर्ट्स को देखता है आपकी मेहनत को देखता है अगर आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करते रहोगे आप बिल्कुल अपने मतलब फोकस्ड रहोगे अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करोगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको सक्सेस ना मिले आज मेरे मदर के टोटली टोटली चेंज चेंज हो चुके, चेंज हो चुके, चुके जो कभी मुझे बोलते थे, मैंने अपने मदर की वजह से मैं आपको सीरियस लेता हूँ मैंने एमटीएस के फॉर्म फिल करे एम टी एस होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ जो की गवर्नमेंट गवर्नमेंट लाइन में होता है और उसमें पता है क्या होता है ग्रेजुएटेड बच्चा चाय लेकर जाता है पूछता है जाकर सर चाय में चीनी कितनी लोगे ग्रेजुएटेड बच्चा ये करता है एमटीएस के अंदर पानी लेकर आता है कोई गैस आ जाता ना तो पानी लेकर आता है गिर जाता है तो कपड़ा मारकर साफ करता है मैंने उसके लिए भी एग्जाम्स दिए हैं वो क्यों है जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली फैमिली की है अपने बारे में प्लेटफॉर्म जहां से हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं मैं आपको सीरियसली कुछ यूट्यूब पे हम लाइव चीजें देखेंगे जहां से आपको लगेगा कि यार सच में फॉर एवर लिविंग का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग कंसेप्ट है तो मैं सभी से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ करती हूँ अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी यहाँ पर ना बहुत हमने सक्सेस डे की बात करी है तो सक्सेस डे जो होते हैं वो तो इंडिया के तो होते ही हैं बट कुछ इंटरनेशनल लेवल के भी सक्सेस डे होते हैं जिनको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे आज कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस डेज होते हैं ये एमबी सक्सेस डे है जो इंटरनेशनल लेवल का है

हमें इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा बट यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी टाइम की आपका एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है जस्ट आपका थोड़ा सा माइंड इन्वेस्ट हो रहा है आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा आपकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी इन्वेस्ट हो रही है इसके अलावा शायद और कुछ भी नहीं हो सकता है पंजाब साइड से भी बिलोंग करते हैं जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे बीच में आप ये मैं आपको ये वीडियो शो करती हूँ और आप हर नंबर की हर गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो देखेगा ऑलमोस्ट गाड़ियों के नंबर सेफल भी करके हैं ये रॉयल्टी है फॉर एवर लिविंग के नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर है

ऐसी गाड़ियों को चलाना बट इनके अंदर खड़ी इनका जब मन करता है कोई भी गाड़ी लेकर जो नंबर प्लेट है वो एफ एल टी कर आप अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं अगेन एफ एल टी

जो सच में अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहता है इनके ही एक डिस्ट्रीब्यूटर है मिकलॉस उनके लाइफस्टाइल को हम देखते हैं अगर उनकी स्टोरी की मैं बात करूं उनके बैकग्राउंड की बात करूं तो वो ऑलरेडी किसी सर्कस में एज अ जोकर रोल प्ले करते थे एज अ पार्ट टाइम उनके पास जब पैसे नहीं होते थे या फिर उनको जब एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते थे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी आप सोचकर देखो एक इंसान अगर एक सर्कस के अंदर जाकर जोकर का रोल प्ले कर रहा है तो अपनी खुशी से तो नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होगी तो ऐसे ही जब इंडिया के अंदर मैं इवन अगर इंडिया की बात करूं अगर हर इंसान यहाँ पर नौकरी कर रहा है ना तो कोई भी मुझे लगता तो कोई खुशी से कर रहा होगा कोई ना कोई जो है ना प्रॉब्लम तो होती होगी कुछ ना कुछ रीजन रहते होंगे और रीजन ऑब्वियस है कि रीजन बुरे रहते होंगे तभी हमें नौकरी करनी पड़ती है नौकर बनना पड़ता है बट यहाँ पर अगर बात करूं तो इनसे जो है रॉल्स के अपने कंसेप्ट शेयर करा और राइट नाउ नाउन इनकी बात करू अपनी खुद की रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर रहे हैं

करें अपनी टीम की बात करते हैं अब हमारी जो टीम है सीनियर्स की जो हमारी टीम है अगर तो इसकी बात करें तो ऑलरेडी हम कार की लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर गाड़ियों की रैलियां निकलती हैं बिकॉज़ देखिए सिंपल चीज है ये तब पॉसिबल हो पाएगा अगेन जब हम लोग अपने डिसीजन को स्ट्रांग करके बनाएंगे अदरवाइज जो है ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा बिकॉज़ कहते हैं ना कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कुछ पे करने के लिए तैयार है और पे यहाँ पर क्या करना है पे बेसिकली यहाँ पर क्या करना है पे वही करना है जो आपके पास अभी है और वो है आपका टाइम आपको अपना टाइम पे करना है यहाँ पर और जैसे जैसे अपने टाइम को पे करना स्टार्ट कर दोगे फॉरवर्ड लिविंग के अंदर तो आप सीरियसली देखोगे जो जर्नी है जो लाइफ है वो ऐसी तो हो जाएगी जिनको देखकर आप फॉर एवर लिविंग के अंदर आए हो मुझे करी तू

कुछ अचीव कर चुके होंगे लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे और एक ही चीज बोलेंगे कि मुझे बनना है तो इनके जैसा बनना है सीरियसली आपको यही चीज होगी कि मुझे बनना है तो इनके जैसा बनना है अगेन मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर हमने बड़े बड़े बिजनेस के नाम सुने होंगे राइट सुने होते ना हमने बिजनेस के नाम जिनके अंदर बिल गेट्स आते हैं या फिर अगर हम बात करें हम सभी की इंस्पिरेशन जो है ऑलरेडी एपीजी मिस्टर अब्दुल कलाम इनके बारे में अगर बात करूं तो ये क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतनी बड़ी पर्सनालिटीज क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर वो चीज हम देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम आ, आ ही गया अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग की ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं वो हम सिंपल यहाँ पर देखते हैं इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम सभी को दिख रहा होगा राइट यहां पर ये क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइन बाय एवरी यंग मैन एंड वीमेन ग्लोबली अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज आपके पास इतनी यंग एज में इससे बेहतरीन अवसर नहीं मिले आएगा दोबारा और आएगा भी नहीं सीरियसली एक बार आगे कहते हैं लेकिन यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे हमारे बीच में जिनकी लाइफ में फॉर एवर लिविंग हो सकता है दूसरी से तीसरी बार आ रहा हो यू आर द लकी वन की आपको बार बार ऑपरचुनिटी मिल रही है बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना इक्कीसवीं सदी का बहुत तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है बहुत तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है बहुत ज्यादा ग्रोथ है इसकी और इवन अगर बिलगेट्स की बात करें तो ये क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग अगर मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरा जितना भी स्टार्टअप अब तक मैंने किया है जितना भी मैंने ऑन करा अगर मैं सब कुछ छोड़ दू पीछे और दोबारा से जीरो से अगर मुझे किसी चीज को स्टार्ट करना है और वही चीजें अचीव करनी है जो मैं अब तक कर चुका हूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा आप सोचकर देखो जब इतने बड़े बड़े बिजनेस इतनी हाई पर्सनैलिटीज अगर नेटवर्क मार्केटिंग को इतना पॉजिटिवली प्रमोट कर रही है तो हम क्यों नहीं इसके बारे में पॉजिटिव हो सकते बिकॉज ये कंसेप्ट जो है ना ये तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का है ना कहते हैं बस यहाँ यहाँ से हमें अपने आप को जो है वो स्ट्रांग बनाना पड़ेगा बिकॉज देखिए हम ऑलरेडी uh,

उनके गांव में ना एक बार बाढ़ आ जाती है और जब बाढ़ आ जाती है तो वो अपना मस्त होते हैं पूजा करने के लिए पूजा करने के अंदर बहुत ज्यादा मस्त होते हैं वो धूप बत्ती लगा रहे हैं घंटी बजा रहे हैं और एक एक गांव का पर्सन आता है उनका नॉक डोर जो है वो नॉक करता है और बोलते हैं कि पंडित जी पंडित जी बाढ़ आ चुकी है आपके घर तक पानी आने वाला है हम सब गाँव छोड़कर जा रहे हैं तो आप भी चलिए और वो क्या बोलते हैं कि मुझे टेंशन नहीं है मेरा भगवान मेरे साथ है तुम लोग जाओ तुम्हें हो सकता है बाढ़ से तुम्हारी जान चली जाए बट मुझे पता है मुझे अपने प्रभु पर अपने भगवान पर अपने अल्लाह पर अपने वाहिगुरु पर मुझे विश्वास है और वो मुझे बचाने डेफिनेटली आएगा ही आएगा इतना जब वो उस पर्सन को बोलता है पर्सन चला जाता है कि यार ये तो मानने वाला नहीं है ये तो जाएगा जाएगा मुझे भी लेकर जाएगा तो मैं भाग लेता हूँ यहाँ से तो वो पर्सन चला जाता है जैसे ही देखता है पंडित पानी उसके घर के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है उसके घुटनों तक पानी आने लग जाता है फिर वो क्या करता है अपने टेरिस पर चला जाता है अपनी छत पर चला जाता है और वहां से भी एक बोट जा रही होती है और बोट जब जाती है तो वो बोलते हैं कि पंडित जी आप आखिरी पर्सन रह गए हो यहाँ पर हमने सबको कलेक्ट कर लिया यहाँ से सबको बाहर निकाल दे तो प्लीज आप भी चलिए वरना आपकी जो है ओवर पानी से जो है वो डेथ हो सकती है और वो एक ही चीज बोलते हैं कहते कोई बात नहीं मुझे टेंशन नहीं है मुझे पता है अपने भगवान पर मुझे पूरा भरोसा आप लोग आप लो जाओ मुझे पूरा भरोसा है आप लोग जाओ मुझे कुछ नहीं होने वाला मुझे मेरा भगवान बचा लेगा और क्या होता है वो बोटमैन भी चला जाता है वहां से वो निकल जाता है और करते करते पानी जो है उसकी छत तक भी आ जाता है और उसके फिर गर्दन तक पहुंच जाता है पानी फिर वो देखता है पास में एक पेड़ है पेड़ पर चढ़ जाता है ऊंचे से पेड़ के ऊपर और जैसे ही देखते हैं वहां से एक हेलीकॉप्टर जा रहा होता है और हेलीकॉप्टर वाले नीचे अनाउंसमेंट करते हैं कि पंडित जी पूरा गांव खाली हो गया पूरा गांव डिस्ट्रॉय होने वाला है तो आप प्लीज हम रस्सी फेंक रहे हैं रस्सी को पकड़कर ऊपर आइए और वो पंडित फिर क्या बोलता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है वो मुझे डेफिनेटली बचाएगा मेरी हेल्प करेगा वो आकर मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं है और ऐसे करते करते वो अपनी लास्ट अपॉर्चुनिटी को भी खो देता है और वहां से क्या होता है उसके बाद और उसकी डेथ हो तो जाती है जब उसकी डेथ हो जाती है वो भगवान से मिलता है और भगवान को एक ही चीज बोलता है भगवान मैंने इतनी पूजा करी सोमवार के व्रत भी रखे मंगलवार को हनुमान के मंदिर में जाकर प्रसाद भी चढ़ाया शनिवार को तेल भी चढ़ाया सब कुछ तो किया मैंने मंगल बुधवार को मैंने गणेश जी को लड्डू खिलाए जाकर सब कुछ किया मैंने सब कुछ किया लेकिन स्टिल आप मेरी जान बचाने नहीं आए ये तो कोई बात नहीं बनी मैंने पूरी जिंदगी आपको समर्पित कर दी और आप जो है वो मेरी मेरी जान इतने हल्के में लगी कि मुझे मार ही दिया और भगवान क्या करते हैं भगवान तो भगवान है वो हंसते हैं धीरे से और बोलते हैं जब गांव में पानी आना स्टार्ट हुआ था जस्ट एक आदमी आया था उसने दरवाजा खटखटाया था और बोला था कि पंडित जी चलो बाढ़ आ रही है कहते हाँ कहते किसने भेजा था मैंने भेजा था वो लेकिन तू नहीं गया बट चलो कोई बात नहीं तेरी पूजा पाठ तेरा श्रद्धा भाव को देखते हुए मैंने तुझे दूसरा दूसरा मौका मौका भी दिया दूसरा मौका दिया तू छत के ऊपर था तेरे पास से बोट जा रही थी और वो बोट बोटमैन भी तुझे बोला कि चलो तुझे क्या लगता है वो अपने आप आया तो उसे भी मैंने भेजा था बट तूने सेकंड अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दिया बट मैंने तुझे तीसरा चांस भी दिया उसके बाद कि तू मेरा बहुत मेरे बहुत क्लोज का था कि तूने मेरी इतनी भक्ति करी हो पूरी जिंदगी में मैंने तुझे तीसरा चांस भी दिया तीसरा चांस क्या दिया ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता रस्सी फेंकी बट तूने वो भी नहीं पकड़ी अब मैं तुझे खुद तो बचाने आता है, नहीं तूने वो भी नहीं पकड़ी तो फिर मैंने सोचा जब तू इतना ही वो हो रहा है कि नहीं पकड़ना है भगवान खुद आएंगे तो भगवान तो आ नहीं सकते तो मैंने तुझे अपने पास ही बुला लिया तो सीरियसली ऐसा होता है ऊपर वाला हमें अपर्चुनिटीज दिखाता है बट हम कई बार नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि ये अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है ऊपर वाला मौका देगा वो अपने डायरेक्ट नहीं आएगा आपको क्या लगता है कि कृष्ण जी आएंगे माँ लक्ष्मी आएंगी वो हमें आएंगी और कमल के फूल में बैठी होंगी लाइक वो हमें अपॉर्चुनिटी देंगी सोने से सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका होगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ऑपरचुनिटी देंगे और किसी के थ्रू देंगे ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आ जाएगी हो सकता है आपको किसी ने फेसबुक के जरिए बुलाया हो सकता है आपने किसी के इंस्टाग्राम के थ्रू आप आयो हो सकता है आपके रिलेटिव ने आपको ये बिजनेस प्लेटफॉर्म दिखाया हो सकता है आपके क्लास फेलो ने दिखाया किसी ना किसी के थ्रू आपको ये अपॉरचुनिटी मिली है बट स्टिल ये मिली है ऊपर वाले के थ्रू इनडायरेक्टली आपको किसी के थ्रू मिली है बट वो क्योंकि डायरेक्ट नहीं आ सकते तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आज हमारे पास जो अपरचुनिटी है ये सीरियसली फॉर एवर लिविंग का मतलब पता है क्या एफ एल पी का मतलब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो होता ही है बट इसका जो सेकेंड मीनिंग निकलता है ना वो फर्स्ट और लास्ट प्लेटफॉर्म है ये डिसाइड हमने करना है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमने फर्स्ट और लास्ट की तरह काम करना है बिकॉज जिंदगी एक है और जिंदगी एक है तो हम इसको क्या बनाने में लगे हुए बेटर बनाने में लगे हुए हमें चाहिए किंग साइज लाइफ हमें चाहिए बिल्कुल लग्जरी जिंदगी में कुछ क्योंकि हमें पता है लाइफ में दोबारा हम दोबारा नहीं आने वाले हम दोबारा शायद हो सकता है दोबारा लक्ष्मी शर्मा अगर मर जाए तो मुझे नहीं एग्जैक्ट याद कि मैं मुझे सेम ही जन्म मिलेगा मेरी सेम ही जर्नी होगी आएंगे या नहीं आएंगे ये भी नहीं पता तो माइंडसेट क्लियर करो जब एक जिंदगी है और इसको बेटर बनाने के लिए हम इतना एफर्ट्स कर रहे हैं इतना एफर्ट्स कर रहे हैं इतना एफर्ट्स कर रहे हैं

क्योंकि कहते हैं ना इंसान जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है और गीता में बहुत अच्छी बात लिखी है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है हमें अपने हमें अपने कर्म करने हमें अपना काम करना है हम फॉर एवर में सक्सेस होंगे, होंगे, जल्दी मैनेजर बनेंगे लेट मैनेजर बनेंगे ये ऊपर वाले पे छोड़ दो वो आपको आपके हार्डवर्क का आपके एफर्ट्स का रिजल्ट जरूर देगा तो देखिए सिंपल चीज है कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है बिकॉज फॉर एवर लिविंग जैसा कंसेप्ट मुझे नहीं लगता हमारी लाइफ में दोबारा आएगा क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं ओवरऑल इंडिया के अंदर पांच छह हजार से भी ज्यादा मिलेनियर प्रोड्यूस कर दिए हैं फॉर एवर लिविंग ने वर्ल्ड वाइड लाखों करोड़ों में है ये जो है जो गिनती है ये लाखों करोड़ों के अंदर है बिकॉज सीरियसली एक ऐसा कंसेप्ट है फॉर एवर लिविंग का जो ना मतलब आप खुद सोचकर देखो यार कोई जॉब इतने मिलेनियर प्रोड्यूस कर रही है कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है अभी हमने आज दोपहर में प्रदीप सर का लाइव सेशन लगाया था आप सोचकर देखो गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट हो रही है इससे बुरा क्या होगा और किस चीज का वेट कर रहे हैं हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें घर बैठकर इंटरनेशनल बिजनेस मिल रहा है हमें डिजिटली वर्क करना है यहाँ पर कहीं जाना नहीं है किसी के अंडर वर्क नहीं करना है ऑन बॉस बनने का मौका मिल रहा है फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने का मौका मिल रहा है यंग एज के अंदर मिले बनने का मौका मिल रहा है किसी की इंस्पिरेशन बनने का मौका मिल रहा है किसी को इंस्पायर करने का मौका मिल रहा है किसी की होप बनने का मौका मिल रहा है इससे ज्यादा और क्या चाहिए लाइफ में सब कुछ तो है सब कुछ है सीरियसली बाकी मेरी साइड से विशू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल हम यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं बाकी मेरी साइड से ऑल वेरी बेस्ट